मैं गाइस जो कल ना मच्छियों का ब्लॉग बनाया था, कल अपलोड करा था मच्छियों का ब्लॉग, लोहा इतने अच्छे हो गए, हेल्दी हो गए, अच्छे अच्छे बड़े बड़े हो गए, अल्लाह बल्कि उन लोगों की ग्रोथ अच्छी हो गई, बल्कि भी एक ब्लॉग गाइस मैं बनाया था। सो गाइस वो ब्लॉग में ना बीच में 3 दिन छोड़ के डाला था। सो गाइस मैं 3 दिन रुक गया था। वो गाइस पुराना ब्लॉग है, मैं अब डाल रहा हूँ, मतलब उतना भी पुराना नहीं, 3 दिन पुराना था, मैं अपलोड नहीं कर रहा था। वो गाइस कहीं को नहीं कर रहा था, वो भी बोलता उससे पहले आपने चिड़िया देख लिया गाइस, बजीरा यहाँ है, कुकू भी यहाँ पे है गाइस, हर मुर्गियाँ। सो गाइस मैं कहीं को नहीं बना रहा था बोले तो गाइस हम लोग का एक्वेरियम जो दिन मैं गाइस लिया था ना, जो दिन ब्लॉग लिया था ना गाइस, वो दिन ही जब मेरा एक्वेरियम था ना, वो एक्वेरियम टूट गया था, वो उतना भी पूरा सा स्क्रैच पड़ गया, वैसा नहीं था गाइस, थोड़ा ही जितना कोने कोने में इतने स्क्रैच पड़े थे, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं, छोटे मेज पड़े थे, वहाँ से पानी कितना ही लीक हो गया था। तो गाइस वो दिन ब्लॉग नहीं डाल सका मैं, और ना फिर उसके बाद में एक्वेरियम बनने के लिए हम ना दिए थे, फिर उसके बाद एक्वेरियम आया बाद से गाइस, फिर तीसरे दिन हम लगा ना वो उसको पूरा अच्छा करे, ठीक कर दिया बाद से, फिर लाके गाइस इसमें मच्छियाँ डाला मैं, जब तक बकेट में थे गाइस मच्छियाँ, और गाइस एक अपनी ब्लैक वाली इतनी वाली फिश थी ना गाइस, वो वाली फिश को भी क्या हो गया कि उसका पर टूट गया, शायद उसने चल भी नहीं सकरी, उड़ी ने, मतलब ऊपर पर ऐसा होते ना वैसा हो ही नहीं सकरी, वो पर टूट गया शायद गैस, कैसा टूटा कि वो भी नहीं मालूम। और गैस मेरे ख्याल से एक्वेरियम है ना, मैं तो कुछ भी नहीं करा था, खाली मैं खाना वही देता था, मैं यूट्यूब पर सर्च करने से ऐसा दिखा, वो ऐसा एयर भी जो रहती ना वो भी कभी कभी चल जाती उसके अंदर, तो उसकी वजह से भी ऐसा गैस एक्वेरियम टूट सकता, तो उससे छुआ होगा या फिर पानी भी गंदा हो गया तो गैस उसमें वो एयर ऐसे भर जाती एकदम, तो उसकी वजह से हो गया होगा मेरे ख्याल से। तो गैस वो मच्छियाँ भी दिखाता हूँ, पहले आप लोग ये देखिए बजीज कुकु और मुर्गियाँ, और गैस आप लोगों को अपना दिखाता हूँ। सो गैस अपना एक्वेरियम तो ठीक हो गया, वो थोड़ा वो जो वो रहती ना गाइस जो एयर वो उसमें भी जमा हो गई, तो वैसा टूट सकता, मैं यूट्यूब पर देखा था तो वैसा मालूम हुआ था मेरे को। और गाइस मैं आप लोगों को वो मच्छी भी दिखाता हूँ, उसको क्या हो गया था कि इसका पर टूट गया, शायद गाइस ऊपर ही नहीं आ रही थी वो, जो गाइस इसके साथ की जो मच्छी थी ना वो गाइस कहाँ है कि अभी वहीं चुंगी गाइस यहाँ कोने में, उसको गैस पर टूट गया, शायद उसने ऊपर ही नहीं आ सक रही, फिलहाल अपने मच्छियाँ तो ये वाले ठीक है। और गैस अब मैं अलग वाला खाना लाया, ये वाला जो है ना ये छोटे छोटे दाने गैस उसके, तो थोड़ा ज़्यादा भी डालना पड़ रहा, और गैस उससे पानी भी गंदा नहीं होता कहते, तो इसलिए मैं ये वाला इस खाना लाया आपके, नहीं तो वो रेड पैकेट वाला गैस लाता था दाना, और ये ऐसा वाला है गैस दाना। अभी लोग थोड़ा खाना भी डाल देता हूँ मैं, सुबह में खाते उल्लंग गैस, फिर भी मैं डाल लेता हूँ जो छूट जाते ना उल्लंग खा लेते, देखिए गैस इतने बारीक दाने हैं तो इसलिए उल्लंग को ज़्यादा डालना पड़ता। ये गैस मैं कहीं को यहाँ बोले तो से ना एक्वेरियम पूरा साफ साफ भी रहता ना, तो वो डाले तो पूरा गंदा हो जाता एक्वेरियम भी, मच्छियों को भी गैस बस हो जाता अच्छा, वो ज़रा ज़्यादा खाए वैसा होता है, लोगों को पेट भर जाता है अच्छा, इन लोगों का भी इससे। और गैस यहाँ पे चेंज कैसे कहाँ से कि निकल रहा था गैस पानी, तो ठीक हो गया। गैस ये वाली मच्छी है यहाँ पे आ रही, देखिए अरे गैस इसका पर नहीं तो था शायद, मैं भी अभी देखा ऊपर आके खाना खा रही, मेरे ख्याल से गैस एकदम वो पानी में से ये पानी में डाले तो हो गया होगा, ऊपर ही नहीं आ रही थी, तो मैं सोचा क्या हो गया था कि इसको पर टूट गया शायद, समझा था मैं, अच्छी हो गई। अब देखिए यहाँ पे तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अपना नया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो गाइस टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।